भाजपा और पुलिस के बीच झड़प को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 13 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता बंगाल के रानीगंज रेलवे स्टेशन पर थे और कोलकाता जा रहे थे। वे पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नबाना जा रहे थे। वे टीएमसी के भ्रष्ट मामलों और धोखाधड़ी गतिविधियों के विरोध में नबाना अभियान में हिस्सा ले रहे थे। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो यह एक बड़ी हिंसक हो गई। भाजपा निश्चित थी कि टीएमसी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल थी। पार्था चटर्जी को जुलाई में सभी सरकारी और टीएमसी पार्टी पदों से हटा दिया गया था। जब सीबीआई और ईडी ने कहा था कि उन्होंने कथित रूप से उनसे जुड़े परिसरों से 40 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया था। भाजपा को बर्खास्त करने के पीछे टीएमसी के इरादे का एहसास हुआ और विरोध का आयोजन किया गया। हालांकि पुलिस से नोकझोंक भी हुई। भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने कहा, नबाना अभियान की घोषणा बहुत पहले ही की गई थी और पुलिस को इसके बारे में जानकारी थी। टीएमसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद कम से कम 1.5 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। भले ही कोई हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी अवांछित परेशानी को रोकने के लिए की गई थी। कोलकाता की सीमाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच बंद कर दिया गया है। शांतिपूर्ण विरोध होने पर भाजपा को इस सब की आवश्यकता पर आश्चर्य हुआ। यह सब एक बड़ी झड़प का कारण बना। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पानी का छिड़काव किया। आगजनी हुई और जम कर मारपीट हुई। वजह यह रही कि शांतिपूर्ण धरना होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस की पिटाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रतिक्रिया दी। 12 सितंबर को भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, यह सिर्फ भाजपा का विरोध नहीं है, बल्कि टीएमसी के भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ बंगाल के सभी लोगों का विरोध है। जब बंगाल के लोग मतदान करते हैं और अधिकारियों का चुनाव करते हैं, क्या उनके लिए नागरिकों को धोखा देना सही है? हम सब एक जैसे हैं और ममता को जवाब देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव को 19 सितंबर तक एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है कि भाजपा समर्थकों को विरोध मार्च में शामिल होने से क्यों रोका गया। भाजपा नेता मीना देवी पुरोहित पर पुलिस ने बेरहमी से हमला किया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें टाके लगने पड़े। उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए अपनी ऊपर हुई हिंसा पर सवाल उठाया। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा ने कहा कि झड़पों के दौरान पार्टी के 363 कार्यकर्ता घायल हो गए और 35 कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है।
आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी भ्रष्ट है या भाजपा गलत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।